हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन रूफ चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी हिंदी का क्वेश्चन, सोल क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच किया है, आफ्टर दैट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम बता दें, हम उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जिस पे आपत्ति जताई जा रही है, और आप लोगों को साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बुकलेट सीरीज ए है, हिंदी की है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, तुलसीदास। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? इसमें आ जाएगा सी, पद्मावत। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मृगावती, ए ऑप्शन। फ्रेंड्स, आप अपना क्वेश्चन पेपर साथ लेके बैठ सकते हैं और मेरे साथ साथ आप मैच कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा में रसी को उपासना का समावेश किसने किया है? आंसर हो जाएगा बी, अघरदास। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? सी आंसर, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो इसका आ जाएगा ए, रीतिबद्ध कवि। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? तो आंसर हो जाएगा सी, भूषण। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? सी आंसर, पुनर्जागरण काल। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 10th क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ है? 1943 में, डी आंसर। 11th आंसर, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? बी आ जाएगा, कब तक पुकारू। ये हमने उस टाइम भी बताया था, रांगे राघव इसका आंसर है और ये नवोदय के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, 1959 में। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सी आंसर, महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, पंत। और ये नवोदय के 2014 के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, अमृत राय। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? आंसर हो जाएगा डी, उपन्यास। सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की, बी आंसर। संशय की एक रात किस कवि की है? आंसर हो जाएगा सी, नरेश मेहता। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में काफ़ी आपत्ति है। आषाढ़ का एक दिन, सबको पता है कि ये मोहन राकेश की रचना है, बट आयोग ने जो इसका आंसर है वो ए माना है, जयशंकर प्रसाद। तो सभी स्टूडेंट्स को अपनी ईमेल आईडी से और आयोग की ईमेल आईडी पर जाकर इस क्वेश्चन का साक्ष्य, अगर आप यूपी बोर्ड की कोई बुक लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज आप किसी ऑथेंटिक बुक का सोर्स लेकर इस क्वेश्चन पे आप आपत्ति ज़रूर दर्ज करें क्योंकि इसका आंसर मोहन राकेश ही होगा। आयोग ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप लोगों को आपत्ति इस पर दर्ज कर देनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो बी आंसर, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 ईसा से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? देखिए ये फ्रेंड्स, हम लोगों ने जब ये क्वेश्चन सोल्व करवाए थे उस टाइम हमने इसका आंसर यही बताया था, यही इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रतिपादन काल। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दोहा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 27th क्वेश्चन है, करते अभिषेक प्यो देह बलिहारी, इस देश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उल्लाला। कहा कैकेयी ने सह क्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आंसर हो जाएगा सी भक्ति रस। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा सी खड़ी बोली का। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को भी आपत्ति में दिखा सकते हैं क्योंकि सरस्वती पांडे में जो दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन औ तो हो ही नहीं सकता है, तो आप इसको भी साक्ष्य के साथ आपत्ति पे भी दर्ज करा सकते हैं। इसका आंसर आयोग ने डी माना है। 33 आंसर 33 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसका आंसर हो जाएगा प फ सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी छोटा नागपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो नीलकंठ हो जाएगा योगरूढ़ सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? देखिए इस पे भी आपत्ति आप लोग दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है ये। इसका आंसर सी या इसमें डी में होना चाहिए था, बट आयोग ने इसका आंसर जो है ए माना, ख को माना है, जो कि वेरी वेरी रॉन्ग आंसर दिया हुआ है आयोग ने। तो आपको इस पे भी आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए और इसका जो सोर्स है वो एनसीईआरटी भी है, अदरवाइज आप लोगों ने यूपी बोर्ड की जो बुक्स पढ़ी होगी वहाँ से भी आप इसका सोर्स के रूप में इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में भी डाउट है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? इसका आंसर आयोग ने माना है 26 जनवरी 1950। देखिए कुछ बच्चे मान रहे हैं इसके 14 सितंबर 1949। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 14 सितंबर 1949 में जो है इसमें एक बस एक बैठक हुई थी जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि हाँ हिंदी को राजभाषा के रूप में मतलब कि माना जाएगा, बट उस टाइम पे संवैधानिक रूप में ये लागू नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है संवैधानिक रूप में मान्यता कब मिली थी, तो संवैधानिक रूप में अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950। ये मैं सोर्स आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा है। लेकिन 14 सितंबर जो दिया हुआ है वो नेट जेआरएफ की जो बुक है प्रतियोगिता साहित्य की, उन्होंने इसका 14 सितंबर दिया हुआ है। अब ये आयोग पे डिपेंड करेगा कि वो किस सोर्स को ज़्यादा मानेगा और उसके अनुसार ही वो इसका आंसर तय करेगा। लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है ए दिया है 26 जनवरी 1950। ये संवैधानिक मान्यता के कारण इसका आंसर ए हो सकता है, अदरवाइज इसका आंसर डी ये भी हो सकता था 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्ता कारक। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका आंसर हो जाएगा सी खटमल। चंद्रमुख में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा सी कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य का शुद्ध रूप होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मैं सादर नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका हो जाएगा विषाद। नेक्स्ट है, जो समाचार भेजता हो के लिए शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी प्रेषक। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी सी एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। नेक्स्ट है, नेषधीय चरितम किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा सी श्रीहर्ष की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? ऑप्शन हो जाएगा डी शिशुपाल वध। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सी आंसर थोड़े में बहुत कहना। कविता का बहुवचन हो जाएगा बी आंसर कविताएं। जीवेशना का संधि विच्छेद तो हो जाएगा इसमें बी आंसर जीव प्लस एशना। प्रेम आतुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं होगा? द्विगु समास नहीं होगा, ए आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? इसका आंसर हो जाएगा डी करण, क्योंकि मैंने जब ये सोल्व करवाया था मैंने आपको उस टाइम भी बताया था इसकी पहचान कि वह हाथ के द्वारा खाती है और करण कारक की पहचान होती है से के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। कविता का मर में कौन सी विभक्ति है? ए आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। रामकृष्णव में कौन सा समास है? द्वंद समास है, बी आंसर हो जाएगा। 54 सज्जन है पापाद जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सज्जन पाप से घृणा करता है। नेक्स्ट है, रामेण से सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद हो जाएगा राम के साथ सीता वन जाती है, सी आंसर हो जाएगा इसका।
सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कमलेश्वर की। राहुल संक्रतन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो किसे माना है, सरहप्पा को, सी आंसर। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है? ए आंसर, मिश्र बंधु। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? इसमें आ जाएगा डी, बी आंसर, सॉरी 8। नेक्स्ट है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी बच्चों को डाउट है, क्योंकि इसमें दो जो रचनाएं हैं वो नूर मोहम्मद की हैं, जैसे अनुराग बांसुरी भी और इंद्रावती भी। तो आप इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति लगा सकते हैं साक्ष्य के साथ, लेकिन आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है, ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुराग बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए आप इस पे भी आपत्ति दे सकते हैं, क्योंकि तलवंडी और ननकाना दोनों ही आंसर सही थे, लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर है वो बी माना है। और मैं बता दूं, नूर मोहम्मद वाले क्वेश्चन का भी आयोग ने आंसर बी माना है, अनुराग बांसुरी, और गुरु नानक देव का उन्होंने तलवंडी माना है बी इसका आंसर। तो इसका भी आप सोर्स के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बी आंसर, सूरदास। नेक्स्ट है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम होगा, इसका आंसर होगा डी, शेख नबी। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? साहित्य लहरी में, बी आंसर। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? अनेक अर्थ मंजरी, इसका सी आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कौन सा माना है? आंसर हो जाएगा बी, 1700 से 1900 विक्रम के बीच में, बी आंसर, आयोग ने माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? ए आंसर, श्रृंगार रस की। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सेनापति। नेक्स्ट है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? बी, प्रताप नारायण मिश्र। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवमंगल सिंह सुमन। कुरु कुरु उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो डी हो जाएगा इसका, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो अवारा मसीहा के लेखक है इसमें विष्णु प्रभाकर। बी, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 15। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा ब्रजभाषा। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्गलन की समस्या उठाई गई है? ध्रुव स्वामिनी। फ्रेंड्स, ये जो आंसर हम आपको बता रहे हैं, हमने आयोग की आंसर की के साथ मैच किए हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं, तो आप अपना पेपर साथ में लेके हमारे साथ साथ अपना पेपर मैच कर सकते हैं। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समकालीन कविता। नेक्स्ट देख लेते हैं, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी, श्रीलाल शुक्ल। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? बी, महीप सिंह। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? हम विषपाई जन्म के, बी आंसर। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो ये हो जाएगा नाटक, बी आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो ए जोड़ा सही है, चिंतामणि और काव्य प्रकाश। मैलांचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा ए आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार का। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो बी आंसर हो जाएगा, चौपाई का। नेक्स्ट देख लेते हैं, निसीदन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आंसर हो जाएगा बी, वियोग श्रृंगार रस। जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलबावे, जोई सोई कछु गावे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, बी हो जाएगा।
इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवधी बोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मगही किस प्रदेश की बोली है? आंसर हो जाएगा बी, बिहार की। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मण से। हिंदू मग पर पाँव न राखिए, का बहुतो जो हिंदू बाखे, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? देखिए ये नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ हैं और इसका आंसर हो जाएगा सी, अवधी बोली में ये लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आ। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन देशज शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा ए, खिड़की। इसमें एक देशज शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? आंसर हो जाएगा ए, चा। इसमें तालव्य ध्वनि है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजी नहीं है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, देखिए ये भी आयोग ने गलत दिया है क्योंकि उन्होंने दंत दिया है इसका आंसर, तो आप इस पे आपत्ति जरूर कीजिए, सोर्स के साथ कीजिए क्योंकि ये यूपी के भी किसी बोर्ड में मिल जाएगा आराम से, और जो है ये नेट की बुक में भी दिया हुआ है, ये अपनी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका आंसर सी ही होना चाहिए, बट आयोग ने इसका आंसर ए दिया है जो कि गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। देखिए प्राण जो होता है हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है, तो इसका आंसर भी जो है आयोग ने ए दिया है, तो इसका आंसर वैसे बी होना चाहिए, तो आप लोग इसको भी साक्ष्य के साथ आपत्ति पर भी दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सत प्लस जन। नेक्स्ट है, ऋणमुक्त शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अपादान तत्पुरुष। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्वाण। चरम शब्द का समानार्थक क्या है? देखिए बहुत बच्चे कह रहे हैं इसका कि चरम होना चाहिए, बट ये समानार्थ, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो इसका आंसर बी ही होगा, इसका सोर्स है, आप चाहे तो इसको एनसीईआरटी में सरस्वती पांडे की एक बुक है एनसीईआरटी की 9th 10th की, आप वहां पे जाके इसको शब्द को पढ़ सकते हैं, इसका आंसर बी ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, नष्ट कर देना। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? इसका आंसर होगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की, बी ऑप्शन। दशकुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की, बी ऑप्शन। राम घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ये मैंने उस टाइम जब सोल्व करवाया था तब भी बताया था कि वो घर से अलग हो रहा है, जब अलग होता है तो कौन सा होता है कि अपादान कारक, बी आंसर। गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, ए ऑप्शन। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? इसका आंसर हो जाएगा यण संधि, बी ऑप्शन। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा द्वंद समास, बी ऑप्शन। राम है रावण ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आ जाएगा प्रथमा, ए। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्थि का हिंदी अनुवाद होगा, इसका ए आंसर होगा, यह रमेश की पुस्तक है। नेक्स्ट है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है, इसका आंसर हो जाएगा डी, बालिका जा रही है। सूफी साधना के चार पड़ावों में कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मलकत नहीं है। कुआनो नदी में इनमें से किस कवि की है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। रसमंजरी किस कवि की कृति है? नंददास। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, ए आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों के सिलेक्शन में एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और इस जो आयोग में ने जो आंसर की जारी किए, कम से कम 4 से 5 5 से 6 क्वेश्चन रॉन्ग दिए हुए हैं, तो आप लोगों को अपने हक के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, अपनी मेहनत के लिए इन क्वेश्चन पे ज़रूर आपत्ति करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी से आयोग को वहाँ पे ईमेल, जब आप अपनी ईमेल आईडी खोलोगे वहाँ पे 2 आएगा, 2 में आप आयोग की ईमेल आईडी डालोगे, सब्जेक्ट में आप वो डालोगे जो आपको डालना है, कि जैसे कि
आयोग द्वारा दी गई आंसर की में प्रश्नों से संबंधित आपत्ति। उसके बाद आपको जिस क्वेश्चन के आपका आंसर आपके अनुसार और होना चाहिए, आयोग ने कुछ और दिया है, तो उसका प्रूफ के साथ एक PDF बनाएंगे और उनकी ईमेल आईडी पर जाकर आप उनको मेल कर दीजिए। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स मेल करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन सिलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बाकी अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है देन फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने आयोग के आंसर की के साथ इसलिए इसको जारी किया क्योंकि नवोदय का आप लोगों का एग्ज़ाम है। अगर किसी के थोड़े बहुत कम भी रह गए हैं तो आप नवोदय में अपनी तैयारी को पूरा चरम लेवल पे ले जाइए एकदम, और अपना सिलेक्शन को फाइनल कीजिए। आज नहीं तो कल आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो मेरी ओर से आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।